नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का जो शीर्षक है वो है एलर्जी या फिर साइनसाइटिस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो है मैं दोनों प्रकार की ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ। ये आम जनता के लिए भी है जिनको मैं ज्ञान देना चाहता हूँ, जिनको मैं समझाना चाहता हूँ कि उनके साइनस के जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी में ज़्यादा बेटर तरीके से और ज़्यादा परफेक्टली हो सकते हैं। और ये जो है ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको मैं साइनसाइटिस के बारे में कुछ सुपरफिशियल नॉलेज देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, एलर्जी मतलब एलर्जी को देखिए कई नामों से संबोधित किया जाता है। साइनस बोलता है कोई, साइनसाइटिस बोलता है कोई, सिर्फ एलर्जी बोलता है कोई, सर्दी खांसी। तो एलर्जी जो है आजकल मानवता के अंदर, हमारी ह्यूमैनिटी के अंदर बहुत तेजी से बढ़ने वाली समस्या है। चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे अधेड़ हों, चाहे कोई भी सेक्स का व्यक्ति हो, कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, हमें इसके पेशेंट जो हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली मिल जाते हैं। मैं व्यूअर से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर उनने देखा हो तो वो ये चीज़ समझ पाएंगे कि उनके बच्चे खासकर से इस एलर्जिक से पीड़ित हैं। क्योंकि जो 70% जो एलर्जी के अगर 100 केस आते हैं तो 100 में से जो 70 होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, और वो सारे के सारे 8 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल से नीचे के बच्चे होते हैं। तो ये बच्चों के अंदर ये एलर्जी जो है ये ज़्यादा प्रिवेल्ड है और ये ज़्यादा पाई जा रही है। उसके अलावा एलर्जी जो है ये बेसिकली, ये एलर्जी का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, अगर उसके बारे में मैं अपने डॉक्टर से और स्टूडेंट व्यूअर से बात करूं, तो अगर इन पेशेंट्स की नाक के अंदर आप टॉर्च को प्रोजेक्ट करते हैं नेजल कैविटी में, तो आपको कुछ छोटे छोटे दाने दिखेंगे, जिन दानों को कहा जाता है नेजल पॉलिप। नेजल पॉलिप मतलब कोई भी पाउच लाइक ग्रोथ को मेडिकली पॉलिप बोलते हैं। ये शुरू में ये बच्चों को ये पॉलिप के रूप में ही होता है, पर जैसे जैसे ये क्रॉनिक होता जाता है उनकी नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ी होनी रह लगती है। और जब भी हमारे पास साइनस या एलर्जी का कोई ऐसा केस आता है जिसको बचपन से साइनस है और आज वो 17 साल का है, 15 साल का है या उससे बड़ा है, तो हमको जनरली उनकी नाक की हड्डी के अंदर एक डेविएशन बाहर से ही देखने में आता है जिसको DNS बोलते हैं। तो इनिशियली द डिजीज रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ एज अ नेजल पॉलिप ओनली, बट लेटर ऑन इट विल बी क्लब्ड विद द DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम, देन आफ्टर इट बिकम्स नेजल पॉलिप एसोसिएटेड विथ DNS। और इसी चीज को आप कई नामों से जानते हैं जो कि रोजमर्रा के नाम में, जिसको अपन एलर्जी बोलते हैं, रोजमर्रा के नाम पे जिसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं, वो और टेक्निकलिटी में अगर हम जाते हैं तो इसको एट्रोपिक राइनाइटिस सीका भी कहा जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है, राइनोरिया भी कहा जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली प्रिवेल प्रॉब्लम है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप व्यूअर हैं तो या आपके घर में भी आपके कई बच्चों को या फिर आपके घर के अंदर आपके बच्चों को भी हो सकती है, और अगर आप डॉक्टर्स हैं तो इस प्रॉब्लम के पेशेंट्स आपके पास आए दिन आते हैं और फ्रिक्वेंटली आते हैं, आप सब ये समझ पा रहे हैं। ये जो एलर्जी होती है बेसिकली इसके तीन प्रकार के मैनिफेस्टेशंस होते हैं। जो पहला मैनिफेस्टेशन होता है कि इसका प्रभाव सिर्फ नाक तक सीमित रहता है। नाक तक सीमित रहता है मतलब उन नाक वाले जो नाक जिनकी एलर्जी से नाक अफेक्टेड होती है, नेजल कैविटी और नेजल पाथवे अफेक्टेड होता है, उनको जनरली सर्दी होना, सूखी खांसी होना, छींकें आना, बिल्कुल पागलों जैसी पैरोक्सिस्मल जो छींकों के पेशेंट होते हैं, जनरली उन्हीं को अपन रोजमर्रा की जिंदगी में एलर्जिक बोलते हैं। तो ये इस एलर्जिक बीमारी का जो एलर्जी है, ये एलर्जी का ये पहला मैनिफेस्टेशन है कि इट विल बी लिमिटेड ओनली टू द nose and post nasal cavity in the form of common cough and cold। जो इसका दूसरा manifestation है वो एक specific प्रकार की आबादी में आता है। अब आप समझिए कि मेरे नाक के अंदर पॉलिप है और नाक में इन्फेक्शन हो रहा है, और ये इन्फेक्शन frequently descend हो रहा है नीचे की तरफ। तो जो next stoppage है after nose, that is the throat। तो जब ये descending infection बार बार मेरे गले तक पहुंचेगा तो मुझे गले के अंदर क्रॉनिक हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या क्रॉनिक लेरिंजाइटिस की समस्या हो जाएगी। पर आपने कभी देखा होगा ये लेरिंजाइटिस की समस्या हर आदमी को नहीं होती, ओनली दोज पीपल्स हु आर इंगेज्ड इन द पब्लिक स्पीकिंग वर्क, सिर्फ उन्हीं को ये लेरिंजाइटिस होगा। जैसे स्कूल में कोई टीचर है या फिर कोई लेक्चरर है, कॉलेज के अंदर लेक्चरर है या फिर पब्लिक स्पोक्स पर्सन है, ऐसा आदमी जो अपना कंठ का, जो अपने लेरिंग्स का बहुत यूज करता है और वो क्रॉनिक एलर्जिक पेशेंट भी है, तो ये उसके अंदर जो होगा, जो सेकंड मैनिफेस्टेशन दिखेगा वो होगा क्रॉनिक हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। और जो थर्ड मैनिफेस्टेशन एलर्जी का होता है
वो होता है इन द फॉर्म ऑफ अस्थमा, कि पहले नाक में इन्फेक्शन हुआ, नाक से वो डिसेंड करा गले, और गले से ट्रेकिया से होता हुआ लंग्स में। तो सालों तक के रिकरेंट डिसेंडिंग इन्फेक्शन के कारण जो चेस्ट में इन्फेक्शन होता है बार बार, उसकी वजह से देयर इज द अराइजल ऑफ द पिक्चर ऑफ अस्थमा। अब जो डॉक्टर्स होते हैं, पेट्रियटिशियन होते हैं, वो इसके अंदर वो बच्चे को मतलब वो नेबुलाइज कर रहे हैं, बुडा कार्ड से नेबुलाइज कर रहे हैं, इससे नेबुलाइज कर रहे हैं, उससे नेबुलाइज कर रहे हैं, या फिर उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, या फिर ब्रोंकोडायलेटर्स दे रहे हैं जो एस्थेलिन अस्थमा की दवाएं हैं, पर वो काम नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि बेसिकली वो उसको अस्थमा है ही नहीं। उसकी जो मेन एलर्जी का जो कारण था वो तो साइनसाइटिस था, वो ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिसेंडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम नोज थ्रू थ्रॉट टू लंग्स, इसके कारण उसको जो है वो पिक्चर आ गया काय का, अस्थमा का। तो तीन जो बेसिक मैनिफेस्टेशन होते हैं एलर्जी के, वो प्रीलिमिनरी वो होते हैं नोज में, सेकेंडरीली पब्लिक स्पीकर्स में वो अपने को देखने को मिलता है थ्रॉट में, और बच्चों के अंदर अगर वो क्रॉनिक केस, क्रॉनिक पेशेंट हो जाते हैं तो ये जो मिलता है हमको लंग्स में इन द फॉर्म ऑफ अस्थमा देखने में। अब ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, एज फार एज द एलोपैथी इज कंसर्न्ड, आपको पता है कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटी एलर्जिक दवाओं से किया जाता है, लिवोसिट्रिजिन, एविल और उसी की जो ग्रुप की जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है वो दी जाती हैं। जब ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो एंटी एलर्जिक के साथ जो है ये लोग जो है एंटीबायोटिक्स भी चला देते हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अगर ये बहुत ज्यादा एलर्जिक रिस्पॉन्स है कि वो मतलब आपको सीधा सीधा इम्यून सिस्टम उसके पीछे काम करता दिख रहा है, तो इन दैट केस ये लोग कई बार स्टेरॉइड्स भी दे देते हैं इसके अंदर। और जो अल्टीमेट प्रिस्क्रिप्शन इसके अंदर, जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट ये फॉलो करते हैं, जिसके अंदर ये ऑपरेशन से पॉलिप्स को निकाल लेते हैं और नाक की हड्डी को सीधी कर देते हैं, पर दोस्तों मेरे पास पोस्ट ऑपरेटेड 50 से ऊपर केस आज तक आ चुके हैं जिनके कुछ समय पहले ऑपरेशन हुए थे, पर उनके अंदर वापस से यही एलर्जी और एलर्जिक रिस्पॉन्स चालू हो गया। होम्योपैथी में हम क्या करेंगे, होम्योपैथी के अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि कुछ बिल्कुल सटीक दवाइयाँ हैं जो आप जिनसे इनको इसके ऊपर इसको ट्राई कर सकते हैं। और मैं अभी भी एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस चैनल पे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं बताना चाहता हूँ, ये कहीं से भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है एज अ डॉक्टर, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो के अंदर, इन वीडियोस के अंदर कही गई कोई भी मेडिसिन, उपयोग करी गई कोई भी मेडिसिन के नाम को कोई भी व्यूअर बिना किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के रिकमेंडेशन के नहीं लेंगे। अगर वो लेंगे तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ कि इसके अंदर जो होम्योपैथिकली कुछ मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटेड होती हैं, जैसे कि सेंग्विनेरिया कैनिडेंसिस है, सेंग्विनेरिया नाइट्रेट है, सबाडिला है, टिक्यूरियम मारम वेरम है, काली बाइक्रोम है, कल्केरिया कार्ब है, और ऐसी तमाम बहुत सारी मेडिसिन, कल्केरिया फॉस है, इनफैक्ट पूरा कल्केरिया ग्रुप इसके ऊपर इंडिकेटेड है। तो दोस्तों इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और ये मेरा एक छोटा सा व्यू था एलर्जी के बारे में कुछ बातों को क्लियर करने का, जो कि शायद मैं कर पाया, और मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा जो कि दोनों के लिए होंगे, जो कि व्यूअर्स के लिए भी होंगे और जो कि अपार्ट फ्रॉम द व्यूअर्स प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स के लिए भी होंगे, बट वो सारे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। नमस्कार।